एक बार फिर सफर की तैयारी हो रही है। देखो सब सबको अरेंज करते हुए सीधे देहरादून से कहाँ तक भाई? जयपुर तक का सफर एक बार फिर से शुरू अपने मैनेजर साहब के साथ। मैनेजर साहब नमस्ते। तो ये है हमारे टीम मैनेजर। सब पहली बार वाले हो गया? ये देखो सब लोग चढ़ गए भाई स्लीपर में। ये तो बहुत बार है। ये इधर ये सोया पड़ा है। बर्थडे मना रहा होगा। वैसे तो बर्थडे मना चुका होगा ये। तो ये देखो इधर लुकमान पड़ा हुआ है। अब ये उसी से पूछो, उससे क्यों पूछ रहे हो? ये रहे हमारे मैनेजर। पहली बार। ये देखो पहली बार वाले हैं भाई। ये सारे अपने ही लोग हैं। सब पड़े हुए हैं। ये देखो देवराज घेर के बैठ गया। मेरी भी जगह घेर ली है इसने, लेकिन मैं इसे अभी थोड़ा साइड करूंगा। के हो रहे हैं 10:30। तो रुक गए हम खाने के लिए। ये बैठ गई हमारी फौज है ना। ये रुक गए बाहर। सब बदल गया है नज़ारा। फिलहाल हम रुक गए खाने के लिए। ये है जयपुर वाले हाईवे पे वैशाली वैष्णो पंजाबी ढाबा। 10:30 यानी कि 11 बज गए अब। तो अब खाना खा के निकल लिए फिर से अगले सफर पे अपनी गाड़ी में जयपुर की तरफ। ये रहा ये रही अपनी टीम। ये भाई ये चाय, पहली चाय राजस्थान की है। देखो सब शुरू हो गए चाय में। कहीं भी जाएं तो चाय से शुरुआत करते हैं हम। ये रहे सारे, तो चाय के साथ ही शुरुआत होती है अपनी। और ये रही मेरी चाय। कहीं बाद में सोचो कि मैं नहीं पी रहा चाय, ऐसा हो सकता है क्या? ओके भाई, ना गुलाबों का शहर ना गुलाबों का शहर, हम पहुंच गए गुलाबी शहर यानी कि पिंक सिटी जयपुर। पूरे गैंग के साथ पहुंच गया मैं अपना। ये रहा #blindfootball, फॉलो करो, देखो, ढूंढो हमको कहाँ हैं हम। तो पहुंच गए हम पिंक सिटी यानी कि गुलाबी शहर जयपुर में। अभी और जाना बाकी है, इंतज़ार कर रहे हैं गाड़ी आने का। होता है राजस्थान का आदर सत्कार। भैया पहुंच चुके हैं बिल्कुल। देखो जैसे ही हम लोग पहुंचे, एक फोन पर भैया पहुंच चुके हैं। तो हम लोग जा रहे हैं, अब बता देता हूं आपको, हम लोग जा रहे हैं जयश्री पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल। तो बस आ गई है सामने, येलो बस, ये बैठी है। हम चाय के लिए हमने रोका भैया को, ये तो भैया पहुंच चुके हैं पहले ही टाइम पे बिल्कुल। तो जैसे ही चाय पूरी होती है हम चलते हैं भैया के साथ। यहां से कितना किलोमीटर भैया? 20 किलोमीटर और जाना है और उसके बाद हम होंगे कैंपस में। सामने दिख रहा है इधर ब्लू में, ये कोई महल नहीं है, कहीं आप कंफ्यूज हो जाएं। सो दिस इज द प्लेस वेयर वी विल बी फॉर 2 डेज, टुडे एंड टुमारो। यहाँ पर हैं हम लोग, तो यहाँ पहुँचे हैं और भैया लेकर आए हमें। थैंक यू भैया। तो हम लोग पहुँचने वाले हैं अभी स्कूल में। ये रहा स्कूल, जेपी पेरीमल इंटरनेशनल स्कूल। ये पहला ग्लिम्स है स्कूल का, देख लो भाई सब लोग। अब हमारे लेफ्ट में ये जा रहा है स्कूल, कोर्ट्स दिखने शुरू हो गए। और ये है हमारा गैंग। ये रहा सर, ये फिल्टर वाले सर हैं हमारे। चल रहा है मिराज, देख लिया सब कुछ? वॉशरूम सब अंदर ही है ना? कैसा है? बहुत बढ़िया सर। बढ़िया है ना? यस सर, मजेदार। ये देखिए सो गए मैनेजर साहब अपने। और ये है एकोमोडेशन, 4 का एकोमोडेशन एक साथ है। ये हॉस्टल है, बॉयज हॉस्टल, गर्ल्स का दूसरी तरफ है। तो ओरिएंटेशन के बाद एक रूम ये है अपना, जहाँ पर ये लोग हैं 4 बेड का। इधर का बर्ड्स, और उसके बाद ये वॉशरूम्स हैं। ये स्कूल का हॉस्टल है, ये स्कूल का हॉस्टल है। तो ये देखो ओरिएंटेशन हो गया भाई सबका? यस सर। तो सब लोग यहाँ पर हैं। ये देखो यहाँ दीपक है इनके साथ में,
ओरिएंटेशन होने के बाद में ये रहा, ये स्कूल का हॉस्टल है समझ सकते हो ना। सो ये हॉस्टल है स्कूल का, एक में चार की ऑक्यूपेंसी है, चार्जिंग पॉइंट्स, लैपटॉप सब कुछ है, इधर कबर्ड्स हैं। ये खोलना दीपक, कबर्ड्स लॉक तो नहीं, लॉक होगा तो मत खोलना, हल्का सा बस। ये देखो ये सब का रखने के लिए रैक्स हैं। तो हम लोग इस वक्त हैं जयश्री पेरीमल इंटरनेशनल स्कूल जयपुर में। चलिए फिर मुलाकात करते हैं आपसे और बताएंगे कि कैसे क्या है। फिलहाल हम स्कूल में एंटर कर चुके हैं, पहुंच गए हैं। ये रहा हमारा रूम और बाकी स्कूल का टूर कराऊंगा आपको कि किस तरह से राजस्थान में जो स्कूल्स होते हैं, खासकर हम लोग हैं इस वक्त जयश्री पेरीमल इंटरनेशनल स्कूल जयपुर में, आपको बाद में दिखाता हूँ क्या है। फिलहाल देखना आपने आगे किस तरह से हमारी जर्नी देहरादून से जयपुर तक, यानी कि ठंड से पहुँच गए गर्मी में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर फैन है, इधर एसी है, सब कुछ है। थैंक यू जयश्री पेरीमल पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल, पहुंच गए हैं। ये रहा हमारा रूम और बाकी स्कूल का टूर कराऊंगा आपको कि किस तरह से राजस्थान में जो स्कूल्स होते हैं, खासकर हम लोग हैं इस वक्त जयश्री पेरीमल इंटरनेशनल स्कूल जयपुर में, आपको बाद में दिखाता हूँ क्या है। फिलहाल देखना आपने आगे किस तरह से हमारी जर्नी देहरादून से जयपुर तक, यानी कि ठंड से पहुँच गए गर्मी में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर फैन है, इधर एसी है, सब कुछ है। थैंक यू जयश्री पेरीमल पेरीवाल इंटरनेशनल स्कूल।